गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग एक नए मुद्दे पर बात करने आए हैं। जब मैंने तैयारी करना शुरू किया तो मैंने भी अलग अलग टीचर से पूछा, लोगों से पूछा कि कैसे करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। और इसमें एक स्पेशल सेक्शन के बारे में हम बात करना चाहते हैं, इंडियन इकोनॉमी के बारे में। उस समय के टीचर्स ने बताया कि आपको दत्त एंड सुंदरम पढ़नी बहुत ज़रूरी है। बहुत कॉमन सी किताब थी, बहुत मोटी सी किताब आती थी। इसके बाद आपको द हिंदू पढ़ना है, योजना कुरुक्षेत्र पढ़ना है, PIB पढ़ना है, इंडिया आती है उसमें गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है, इंडिया एक पब्लिकेशन बुक आती है उसमें। तो यार हुआ क्या ना कि मैंने सब पढ़ने की कोशिश करी और एक साल बाद महसूस किया ना कि यार कुछ तो गड़बड़ हो गया ना, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट तो बने ही नहीं। सच तो ये है कि हमारी पढ़ाई अलग चीज़ है और समझना हमारा अलग चीज़ है, ठीक बात है। तो इंडियन इकोनॉमी कैसे कवर करें, ये पूरी सीरीज इसी पर बेस्ड है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत हल्के फुल्के ढंग से मैं इस पूरे सेक्शन को आपको कवर करा दूँगा। पिछले 12 सालों से मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, जिसको सरलतम तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आपको करना है। यार यकीन मानो, द हिंदू, द मुस्लिम, द क्रिश्चियन, ये इतना सॉल्यूशन हमें नहीं दे पाएंगे ना जितना हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सॉल्यूशन दे पाएगी। इकोनॉमिक्स ज़्यादातर बच्चों के मन में डर होता है और मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूँ कि इस पूरी सीरीज को देखने के बाद आपके मन से ये डर तो मैं हटा ले जाऊँगा और 100 में से लगभग 70-80% क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। जैसा मैंने हर वीडियो सीरीज में किया हुआ है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मोस्ट अपडेटेड सीरीज रहे ये और आप इसको इसके साथ साथ PYQ और MCQ और करें। इसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं कहीं कुछ नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में उसको जोड़ते चलेंगे, ठीक बात है। कुछ चीज़ों को समझते हैं। इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी लगभग प्रीलिम्स से आप देखें 2013 में देखें, 23 में देखें तो 14 क्वेश्चन कहाँ से आए थे, इंडियन इकोनॉमी से आए थे। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ईयर में देखेंगे तो आप देखेंगे ये 14, 14, 16, 15, 14, ये ऐसे क्वेश्चन हैं बच्चों जो डायरेक्टली कहाँ से, इंडियन इकोनॉमी के सेगमेंट से हैं, ठीक है। यानी आप समझे 15% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको आप डायरेक्टली बेसिक इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसमें बात करें करंट अफेयर की या इकोनॉमी करंट अफेयर की, तो ये परसेंटेज और बढ़ जाता है। हर साल जो करंट अफेयर का सेगमेंट है उसमें भी इंडियन इकोनॉमी के सेगमेंट्स में 5 क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर हम ओवरऑल प्रीलिम्स में देखें तो इंडियन इकोनॉमी और एसोसिएटेड सेक्शन 20% स्कीम्स वगैरह जोड़ लें तो 20% बनाते हैं 20%। तो अगर 2019, 20, 21, 22, 23 इन 5 सालों को देखते हैं तो हम ये फिक्स कर लेते हैं कि कितने परसेंट इकोनॉमी आता है, 20%। और सबसे ज़्यादा डर बच्चों को किस सब्जेक्ट से, इसी सब्जेक्ट से। और पूरे सीरीज का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको इस कॉन्सेप्ट्स को, इंडियन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को इस हल्के फुल्के तरीके से समझा देना कि आप आसानी से इसको कर पाएं। इसी तरह मेंस में देखें, पेपर नंबर थ्री के कुछ मेजर टॉपिक्स देखिए, इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी का मिक्स है, साइंस, टेक और सिक्योरिटी। तो इकोनॉमी का जो इंडिविजुअल सेक्शन है लगभग 70 नंबर के क्वेश्चन आप देखें हर साल आ रहे हैं, जहां 2021 में 87 मार्क्स हो चुका था, 87.5। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये लगभग 70% मेंस में सेक्शन कहां से आ रहा है, इंडियन इकोनॉमी के बेसिक्स टॉपिक्स को कवर कर रहा है। अब अंडरस्टैंडिंग जरूरी है तभी हम प्रीलिम्स और मेंस के अकॉर्डिंगली कर पाएंगे। और अगर एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी, मैंने कहा एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी एक ऐसे टॉपिक है जिसका ओरिजिन आप इकोनॉमी और ह्यूमन ज्योग्राफी या ज्योग्राफी से मान सकते हैं, इसको भी जोड़ लेते हैं तो ये संख्या बढ़ जाती है। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि हर बार पेपर नंबर थ्री में 100 नंबर का ये पर्टिकुलर सेक्शन आप कवर करते हैं। तो प्रीलिम्स में लगभग कितने परसेंट, 20%, और मेंस में लगभग पेपर थ्री में 50% ये पर्टिकुलर सेगमेंट कवर होता है।
ये बातें तो आप आसानी से कहीं भी ढूंढ सकते हैं। इसको कवर कैसे करना है, तो मैं बिल्कुल आपको बताता हूं कि किसी को भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। आपको क्या करना है, सारे वीडियोस को सीक्वेंस से देखना है, नंबर वन सीक्वेंस मेंटेन करना है। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो उसको कमेंट में पूछना है, या कई सारे व्हाट्सएप नंबर हैं इंस्टीट्यूट के ग्रुप से, उनमें पूछिए, हम लोग रिप्लाई करेंगे। तीसरा पॉइंट, जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको अपने नोट्स को अपडेट करना है। नोट्स अपडेशन का मतलब क्या है, नोट्स अपडेशन का मतलब सिंपली ये है कि हमने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, सपोज करो कि हमने आपको कैपिटल गेन टैक्स पढ़ाया। अब कैपिटल गेन टैक्स हमने पढ़ाया है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स में आया है और हमने कवर नहीं किया है तो आप उसको कवर कर लें, इसी पर्टिकुलर जगह पे जाके कवर कर लें। अगर बजट में या किसी और न्यूज़ में आपने इसके विषय में कुछ सुना हो या कोई चेंज हुआ है तो उसको वहां पे आके अपडेट कर लें। आपको कोशिश क्या करनी है कि एक चीज की एक कॉपी बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो पे रिलाई करेंगे, उसके बाद उससे एसोसिएटेड टॉपिक के एमसीक्यू करेंगे, फिर उसमें करंट अफेयर अपडेट करेंगे, और देखते ही देखते ये पूरा सब्जेक्ट लगभग आपके फिंगर टिप्स पे होगा। ठीक बात है, आपने बहुत सुना होगा, कुछ जनरल सोर्सेज में डिस्कशन भी कर लेता हूँ, कुछ बेसिक किताबों के बारे में बता देता हूँ, बट मुझे लगता है कि ये आप सेकेंड स्टेप में रखें। पहले स्टेप में पूरी वीडियो सीरीज देख डालें। आपने खूब सुना होगा 9th से 12th तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। हम अपने सारे नोट्स में जो भी हम यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं 9th से 12th तक की समरी भी कवर करेंगे। पहले वीडियो देखेंगे फिर इसको कवर करेंगे, ठीक बात है। दो बड़ी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, रमेश सिंह, नितिन सिंघानिया, इनमें से कोई एक जिसका कवर पेज आपको सुंदर लगे या जो ज़्यादा अच्छी लगे वो ले लीजिएगा, जो सस्ती मिले वो ले लीजिएगा। बट कब पढ़ेंगे, जब हम डिस्कशन कर चुके होंगे उसके बाद। पूरी सीरीज में इकोनॉमिक सर्वे और एनुअल बजट हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज 24 जुलाई है और अभी हमारा 24 जुलाई को 2024 का बजट भी आ गया है, दो दिन पहले, इसके एक एक पॉइंट को डिस्कशन करेंगे, ठीक बात है। एंड द लास्ट मेंस के अकॉर्डिंगली हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है, हमें कुछ नहीं आए मंजूर है, बस हम आंसर लिख ले जाएं मेंस के, दैट्स ऑल। तो याद रखिए, आपके सिलेक्शन के लिए पहला रास्ता PYQ, दूसरा रास्ता मेंस राइटिंग, ठीक बात है। तो हमें बस आपको क्या करना है कि हमारी क्लासेस एसोसिएटेड रहेंगी मेंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ, जिसको आपको लिखने की प्रैक्टिस करते रहना है। लिखने के बाद आप हमें भेज सकते हैं, हमें दिखाइए, अपने सीनियर्स को दिखाइए या अपने और किसी मेंटर को दिखाइए। कुछ सोर्सेज और मैं आपको बताऊंगा, हम लोगों की इकोनॉमिक की एक बुक है, ISNS की इकोनॉमिक मेंस के नोट्स हैं, वो हम आपको देंगे, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इन अगर सारे वीडियोस देख लिए हैं आपने, PYQ कर लिए हैं, मेंस राइटिंग कर लिया है, तो यकीन मानिए आप इंटरव्यू के लिए भी तैयार हैं। उस समय के कुछ कंटेम्प्रेरी मुद्दों को लेकर छोटे छोटे वीडियोस बना लिए जाएंगे, उससे काफ़ी काम आपका हो जाएगा, ठीक बात है। इसके अलावा आपको कुछ विशेष मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इस पूरी वीडियो सीरीज का क्या मॉडल होने वाला है, तो देखिए समझिए, सब लोग कहते हैं ना कि हमें बेसिक्स ही नहीं आते हैं, तो बहुत चीजों के बेसिक नहीं आते, इसके भी नहीं आते, कोई नई बात नहीं है। हमें टर्म्स नहीं आते हैं, हमें इकोनॉमी के वोकैबुलरीज नहीं पता हैं, तो सब्जेक्ट में सब्जेक्ट को कवर करने के लिए हम लोग शुरुआत के 5-6 वीडियो बेसिक पे कवर करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक इकोनॉमिक टर्म डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही हल्की भाषा में, रियल एग्जाम्पल के साथ में, ताकि ऐसे बच्चे जिनका इंडियन इकोनॉमी का बैकग्राउंड नहीं है वो भी इसको कवर कर सकें, ठीक बात है। उसके बाद अराउंड 20 वीडियोस बनेंगे प्रीलिम्स के टॉपिक को लेके, जैसे समझिए इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ठीक बात है, एक्सटर्नल ट्रेड, इस तरह की पूरी सीरीज है, 20 लेक्चर की, लगभग 20 वीडियो की, एक एक घंटे की 20 वीडियो मिलेंगे आपको, ठीक बात है। मेंस के टॉपिक हम बहुत फोकस करेंगे आंसर राइटिंग पर, कि हर मेंस के टॉपिक को प्रीलिम्स से बेसिस से जोड़ा जाए और उसकी मेंस आंसर राइटिंग करी जाए, ठीक बात है। और एक लास्ट जो स्टेप होगा, वो जितने भी PYQ होंगे इस दौरान आप भी कवर करेंगे, और लास्ट में हम लोग एक एक को डिस्कशन करते रहेंगे, एक एक PYQ को, कि इसको, इस क्वेश्चन को इस एग्जाम में लगाने का, इस पर्टिकुलर ईयर में लाने का क्या मतलब था और कहाँ से लाया गया।
मैं एक चीज़ प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि ये जितने भी क्लासेस होंगे, जिस दिन भी ये रिकॉर्ड किए जा रहे होंगे, उस दिन के अकॉर्डिंगली क्या होंगे, सबसे अप टू डेट होंगे। ठीक बात है? तो आप इसको एक पूरा सोर्स मानकर फॉलो कर सकते हैं। ठीक बात है? पूरी तरह से इस पर रिलाई कर सकते हैं, राइट? अब बहुत ही जल्दी हम लोग एक इसके जो बेस वीडियो, 5-6 वीडियो 5-7 दिन में ये पूरे आपको मिल जाएंगे। आपको बस क्या करना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है, कोई भी चीज बनती है, तो उसको आपको पूछना है। आपके मन में कोई क्वेरी हो तो उसको पूछना है। बहुत आसान चीजें समझने की आवश्यकता है। हम में से ज्यादातर लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। तो हमें बस क्या है कि कोई चीज क्यों है। एक टिप देना चाहूंगा मैं सारे बच्चों को, जितने लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो WH क्वेश्चंस पर ध्यान दें। यानी कोई चीज है तो वो क्यों है, क्या है। ठीक बात है? स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो तो देख लें वेयर कहाँ पे है ना, या कोई डेट वगैरह हो, तो इस तरह के, तो जितने भी प्रश्नवाचक शब्दों वाले क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करें कि कोई चीज आप पढ़ क्यों रहे हैं, उसका रियल लाइफ में यूज कहाँ पे है, राइट? तो फाइनली कंक्लूड करते हैं, अगर आपको कवर करना है इंडियन इकोनॉमी, जो कि आती है अराउंड 20% यूपीएससी प्रीलिम्स में, और पेपर नंबर 3 मेंस में लगभग 100 क्वेश्चन या 50%, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत बेहतर साबित होने वाली है। ठीक बात है? और एक पॉइंट और मैं आपको डिस्कस करके यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आपको बहुत इंपॉर्टेंट, कि अभी नहीं लेकिन आज से कुछ दिन बाद मैं आपको ये सजेस्ट जरूर करूंगा कि एक न्यूज़पेपर पढ़ें। अब इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है या द हिंदू पढ़ना है या कोई और पढ़ना है, वो आपकी मर्जी, बट हम लोग सजेस्ट करते हैं इंडियन एक्सप्रेस को लेकर। ठीक बात है? तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, और ऐसा कोई भी क्वेरी होता है तो इन वीडियोस से आप उसको पाएंगे कि आप बड़ा साइमल्टेनियसली देखेंगे कि जो चीज़ न्यूज़ में आ रही है वो हमारे लेक्चर्स में कवर हो रही है। तो बेहतर क्या होगा कि आपके बेसिक्स तैयार होंगे, आपका करंट तैयार होगा, आपका मेंस तैयार होगा, राइट? इसके बाद हम लोग अपने अगले सीरीज के वीडियोस में मिलते हैं कि हम लोग कैसे किस चीज को कवर करेंगे।